सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो विशिष्ट में जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आप पढ़ेंगे प्रक्षेप का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। उड्डयन काल क्या होता है और इसका फार्मूला हम डेराइव करेंगे। यदि आप जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं, तो जब हम फेंकते हैं, उदाहरण के लिए हमने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, फेंका है, यहाँ से फेंका है, तो यहाँ से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई पर जाती है, यहाँ तक आती है, और उसके बाद वो वापस नीचे गिरने लगती है और अंत में पृथ्वी तल से क्या होती है, टकरा जाती है, यहाँ को टकरा जाती है। तो यहाँ से हमने फेंका है वो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और वापस वो पृथ्वी तल से टकरा जाती है। यानी आप कह सकते हो कि फेंकने से लगातार पृथ्वी तल से टकराने के बीच का जो समय होगा, कहां से कहां तक, लॉन्चिंग या अपन किसी वस्तु को प्रोजेक्टेड करते या लॉन्च करते, वहां से लगातार अर्थ सरफेस जब वो लैंड करेगी, अर्थ सरफेस से स्ट्राइक होगी, टकराएगी, वो जो समय होगा वो समय हमारे पास में क्या कहलाएगा, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल किसको कहेंगे, जब भी किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और उस अधिकतम ऊंचाई से वापस नीचे गिरने लगती है और अंत में पृथ्वी तल से वो टकराती है। तो वस्तु के फेंकने से लगाकर पृथ्वी के सतह से टकराने के बीच का जो समय होगा, फेंकने से लगाकर पृथ्वी तल से टकराने के बीच का टाइम, यानी आप कह सकते हो कि वस्तु हवा में कितने समय तक रही, मतलब फ्लाइट उसने कितने समय तक वो हवा में उड़ी, कहने पृथ्वी हवा में कितने समय तक वस्तु रही, फेंकने से लगाकर पृथ्वी तल से टकराने का बीच का समय, उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो द टाइम इज टेक्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड एंड लैंड। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट किया इसको और यहाँ वो लैंड हो गए, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करने से लगातार लैंड तक का जो जमीन की सतह से जो टकराएगी वो लैंड जब होगी सतह से टकराएगी तो जो टाइम लगेगा उस टाइम को ही हम प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। तो समझ में आ गया डेफिनेशन, जब भी किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो फेंकने से लगातार पृथ्वी तल से टकराने के बीच का जो समय होगा उस समय को हम उड्डयन काल कहते हैं। यह वस्तु हवा में कितने समय तक रहती है, वो जो टाइम होगा उस टाइम को ही हम उड्डयन काल कहते हैं। अब उड्डयन काल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है, जिसको हम यू साइन थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है धीरे 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 कम होता जाता है। मान लो किसी वस्तु को हम ऊपर फेंका तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, उसको नीचे की ओर आकर्षित कर रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण से उसका वेग वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पे जाके, अधिकतम ऊंचाई पे जाके उसका वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका अंतिम वेग फाइनल वेग जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हमारे पास यू साइन थीटा रहेगा और यहाँ जाते जाते उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम गति के पहले समीकरण का उपयोग करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू होता है यू प्लस एटी। इस समीकरण का उपयोग अपन y डायरेक्शन के लिए करेंगे, क्यों, क्योंकि वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर मतलब y डायरेक्शन में फेंका है, इसलिए गति का पहला समीकरण का उपयोग हम y डायरेक्शन के लिए करेंगे। इसको v y लिखना है इक्वल टू यू y प्लस ए y t। v y मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पर वी वाई का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो धीरे 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 उसका वेग क्या करेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और यहाँ पर देखो अधिकतम ऊंचाई पर वेग जीरो होता है, ये रुक जाएगा, उसके बाद ही वापस से नीचे गिरने लगती है। तो जब भी हम अधिकतम ऊंचाई की बात करते थे, यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन क्या है, वी वाई बराबर जीरो, तो इसको हम जीरो लिखेंगे, जीरो यू वाई
y डायरेक्शन का वेग, इस डायरेक्शन से वेग हमेशा u sin थीटा। तो जब भी हम y डायरेक्शन की बात करें तो u sin थीटा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यहां पर अधिकतम ऊंचाई पर जीरो होता है, इसको नोट कर लें। तो u sin थीटा प्लस ay मतलब एक्सेलरेशन। जब भी हम y डायरेक्शन की बात करते हैं तो त्वरण का जो मान होता है, एक्सेलरेशन के जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो माइनस जी में हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं और पृथ्वी क्या करती है, उसको नीचे की ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो हम ऊपर फेंक रहे हैं और पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, अट्रैक्शन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों की दिशा विपरीत होती है, इसलिए हम यहाँ पर जो त्वरण लिखते हैं हमेशा माइनस जी लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी। और ये माइनस जी टी को इधर जाता है, जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा और टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम हमारे पास निकल गया, कहाँ तक का निकला, अधिकतम ऊंचाई के लिए, मतलब यहाँ से वस्तु को हमने देखा है तो यहाँ तक आती है अधिकतम ऊंचाई। और ये अधिकतम ऊंचाई का टाइम क्यों है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान क्या रहता है, जीरो हो जाता है। अधिकतम हाइट पे जैसे ही मान लो ऑब्जेक्ट जा रहे, वस्तु जा रहे, तो ये अधिकतम हाइट होगा, ये मैक्सिमम है, यह रुक जाएगी, ये रुक जाएगा, तो यहाँ पर वेग जीरो हो जाए, इसलिए वी वाई का मान हमें जीरो रखा। उसके बाद फिर नीचे गिरने लगेगी तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग जीरो होता है, तो वी वाई का मान जीरो रख दिया या जीरो रख दिया। यू वाई वाई डायरेक्शन का वेग हमेशा यू साइन थीटा लेते और एक्स डायरेक्शन का वेग हमेशा यू कॉस थीटा लेना। वेग के दो घटक करना पड़ते, ऊपर वाला u sin थीटा y डायरेक्शन का और x दिशा का u sin cos थीटा होता है। तो ये मान लेते हैं u y की जगह u sin थीटा, a y की जगह माइनस जी क्यों रखा, क्योंकि पृथ्वी नीचे आकर्षित कर रही है और हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, इसलिए जब भी विपरीत दिशा होती है तो हम g की जगह माइनस जी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से जी टी को हम बराबर के दर जाए और t का मान हमें निकाल लें। अब देखो ये जो t निकला हुआ, यहाँ से हमने फेंका वस्तु को और यहाँ तक गई वस्तु, यहाँ तक का टाइम अपने को तो डेल का किसको कहते हैं, यहाँ से हमने फेंका वस्तु को यहाँ तक जाती है और यहाँ से वापस जब वो पृथ्वी तल से टकराती तो जो टाइम लगता उस टाइम को हम उड्डयन काल कहते हैं। यहाँ से फेंकने से लगाकर यहाँ तक ये टकराने तक का जो समय होगा उस समय को उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये टाइम कहाँ तक का निकला, यहाँ तक। अब जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वस्तु को वापस नीचे आने में भी लगेगा, ध्यान रखना। ये टाइम अधिकतम ऊंचाई के लिए निकाला हमने, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना टाइम लगता है, अधिकतम ऊंचाई से वापस पृथ्वी तल तक आने में, अधिकतम ऊंचाई से वापस पृथ्वी तल तक आने में, पृथ्वी तल तक टी समय लगेगा। ये कौन सा था, पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय निकाला, ये पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय। देखो ये टाइम कौन सा है, यहाँ से लगातार यहाँ तक जाने का और इतना ही समय यहाँ से वापस यहाँ तक आने लगेगा, यानी टी समय यहाँ से यहाँ तक जाने का और टी समय वापस आने का। तो टोटल टाइम अपन निकाले मान लो, टोटल टाइम इक्वल टू टी जाने का नीचे से ऊपर तक पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई तक जाने का और टी वापस अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तल तक आने का लगेगा, यानी टोटल टाइम यदि पर निकाले जिसको हम उड्डयन काल कहते हैं, टू टी के इक्वल होगा। तो टी इक्वल हो जाएगा टू और टी का मान हमने निकाला था यू साइन थीटा अपॉन जी। इस तरह से ये हमारे पास उड्डयन काल के लिए, यानी प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इस तरह से अपने को ये फार्मूला उड्डयन काल का निकालना, करना क्या, गति का पहला समीकरण लिखना, वाई डायरेक्शन के लिए लगाना, वी वाई का मान जीरो, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु को हम ऊपर देखते हैं वस्तु ऊपर जाती जाती है उसका वेग कम होता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर जीरो हो जाएगा, इसलिए वी वाई का मान जीरो या जीरो रख दिया।
और जी की जगह माइनस जी रखा क्योंकि विपरीत दिशा होती है, पृथ्वी नीचे की ओर आकर्षित कर रही और हम ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए जी की जगह माइनस जी रखते हैं। तो ये माइनस जी टी को इधर लाइन बराबर देगा, तो यहाँ से टी का मान निकालिए। ये जो टी निकला पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय निकला, अब अधिकतम ऊंचाई से वापस पृथ्वी तक आने का समय भी निकालना पड़ेगा। जितना समय वस्तु पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई तक जाने का लगाती है उतना ही समय वस्तु अधिकतम ऊंचाई से वापस पृथ्वी तक आने में भी लगाएगी। टी जाने का और टी वापस आने का, टी जाने का टी आने का टोटल टू टी टाइम हो जाएगा और टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी। इस तरह से हम प्रक्षेप का उद्वेग काल का फार्मूला टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।